आज ये जो स्पेशल चीज है ना, ये देख तोर भाई, इतना जबरदस्त ठीक है। ये आया जनाब छोटा भाई, दिस इज कॉल्ड लंबर सरिया प्लेटर, वो ब्रंच प्लेटर, उसका नाम ने टक्साली रखा हुआ है लाहौर के गेट के ऊपर। क्या बात, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह तबारक, क्या बात है सर जी, क्या बात है। अभी वापस मक्के जाना है ना, यही जहन में रखे, दुआ करनी है अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत डाले। अभी हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं अंबर सरिया, इस प्लाजे में। ये हमारे अब्दुर्रहीम भाई, किधर है अब्दुर्रहीम भाई, इधर इधर। हाँ, तो अब्दुर्रहीम भाई कह रहे थे कि यार व्हाट्सएप के साथ आपने अकेले बैठ के खाना खाया जाती है, तो उसी दिन से मैंने वीडियो सेव कर ली थी, मैंने इनको बोला था जब भी लाहौर जाएंगे तो लाजमी इंशाल्लाह एक बट कढ़ाई और एक। और खास तौर पे आप बहुत लकी हैं, वो इसलिए कि व्हाट्सएप ने कहा था कि इस बार हम लोग कुछ नई आइटम्स स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नाश्ते की। ये नहीं, खाने के बारे में तो मैं हमेशा लकी होता हूँ। हाँ सही बात है, नजर भी आ रहे हैं। देखो अब नई आइटम है और दूसरा इसका पेट खराब है। नहीं पेट खराब नहीं, कल कढ़ाई नहीं खानी थी, कैसे अपने जैसा मुर्गा पूरा ही खा गए। सर प्लीज प्लीज प्लीज, पहले आप भाई इधर आप चले जाओ, खाने के टाइम मुझे पहले कर, रहने दो मैं जा रहा। आप चले आ जाओ आ जाओ। अच्छा मक्की भाई, अगर आपने चखना है तो बता दें, क्योंकि आपके चखने का हमें पता है। नहीं चखना नहीं है, लेकिन थोड़ा खाना। ओ फिर तो हर चीज दो दो बार ऑर्डर करनी पड़ेगी हमें, अल्लाह करे कुछ खाने को मिल जाए बस। खुल जा सिम सिम खुल जा, क्या खूबसूरत मंजर नजर आया है सामने। हाय 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 यार, फिफ्थ फ्लोर पे है अंबर सरिया, हम लोग फोर्थ फ्लोर पे रुक गए थे और ये बोर्ड देख के मुझे पता चला कि इधर ऊपर जाना है हमने। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या अब्दुल मलिक, क्या हाल चाल है? ठीक है, खुश है माशाल्लाह। आप आते हैं तो बड़ी बरकत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप फिर आए हैं तो बरकत बड़ी पैनी है, बरकत नियत की होती है। आपकी भी नियत ठीक है, दिल से जो काम करते हैं ना। नहीं वो आप भी माशाल्लाह दिल से ही करते हैं। आ जाएं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आ जाएंगे। एक हमारा ये है जो हमने इस फ्राइडे से हम 9 बजे शुरू हो रहे हैं। ठीक माशाल्लाह तबारकअल्लाह। भाई साहब ये क्या बन रहा है यहाँ पर? ये आपके लिए जी हमारा 11-12% का एक प्लेटर है। अच्छा वो हम इस वक्त तैयार कर रहे हैं। जबरदस्त, कुछ नई चीजें हमने मीठे में भी लॉन्च की है, वो भी आपको चखाएंगे नाश्ते के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री हम दे रहे हैं। वाह भाई, पहले आओ जी जरा हलवा बहाओ। आओ जी, मुंडिया पता लगे मखंडी हलवा की होता है। भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल है हमारा, जो मुतंजन और गुड़ वाले चावल के बाद तीसरा हमारा जो मीठा नाश्ते के साथ ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फिलहाल दे रहे हैं। जबरदस्त, और इस वीकेंड से हमारा नाश्ता हम 1 बजे की बजाय सुबह 9 बजे शुरू कर देंगे। जबरदस्त, आप जरा ये हलवा दिखाएं, जरा इसके इंग्रेडिएंट देखें। ये हलवा सिर्फ देखने तक है या नहीं, आपको फुल खिलाएंगे? नहीं इधर इधर का अपना मजा है। हेलो जी फिर ए जरा देखो, जरा ये सारे इंग्रेडिएंट होंगे। हाँ जी तुम बर्दाश्त कर लेना। बिस्मिल्लाह। ओ हो हे भाई को, हे भाई को आ जाओ। ये ऐसे देख रहे थे, सबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये भट्ट साहब ने जितने भी टेस्ट यहाँ पर डेवलप किए हुए हैं ना, खुद अपने जौक पे इन्होंने डेवलप किए हुए हैं हर चीज पे, बड़ा वो माशाल्लाह। जैसे सुई धागे से एक चीज बनाई जाती है ना, उस तरीके से इन्होंने टेस्ट बनाया। एक्चुअली हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट लेते हैं, हमारा मेन रेसिपी हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, रेसिपी के अलावा हमारी मेन स्ट्रेंथ हमारे इंग्रेडिएंट है। जबरदस्त, तो इंग्रेडिएंट अगर आप प्यार से जेन्युइन सिलेक्ट करें तो वो आपकी चीज अच्छी बननी है। हेलो जी हूं ये आपका देसी मुर्ग। हाय 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 हाय, देखें यार लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने थंबनेल पे दिखा के जो है ना तंग किया था। माशाल्लाह सुबह से लेकर रात तक चलता है। अच्छा, और रात को भी लोग आते हैं माशाल्लाह ये खाने। जबरदस्त, सलीम साहब ने उल्टान दी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा उल्ट नहीं रहा हो। अब बोंग और पाए, इसमें जी छोटा जो यंग एनिमल है उसकी बोंग है। अच्छा ये देखें, ये पाए का एक पोर्शन आ रहा है। जबरदस्त, ठीक है जी। साथ इसमें हमारी शोरबा आएगा। ओए होए होए होए, ए हो रही दी नली है। अच्छा ठीक है जी, ए जड़ी फेमूला बोन है ना बड़ी वाली। हां जी पिन्नी वाली, ए ओदी नली जे। क्या बात है, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह तबारक, क्या बात है सर जी, क्या बात है। वाह, इसमें हम मगज भी डालेंगे और नली भी डालेंगे। अच्छा हाँ जी, निहारी के साथ ही? हाँ जी। जबरदस्त, हेलो जी फड़ो नली, ये देच भी जानी, ये देच भी नली जाएगी, ये तरी आ गई, ऐसा ना देसी की हो जाए। वाह भाई वाह, एच भी पा दो थोड़ा। देखें भाई साहब यहाँ पर किचन में जो है ना एक अलग ही माहौल होता है, खास तौर पे भट्ट साहब के किचन में। देखें ऑडियंस देखें साथ में।
और बर्ड साहब की मेकिंग साडे बच्चे ने मब्बत च प्यार करदे ने नहीं ते साहब आए ते लभदा ही कोई नहीं। और इधर देखें ये मोहब्बत से जो है ना हमारा प्लेटर बन रहा है, ये पहला प्लेटर है, इसके अलावा एक और प्लेटर भी है, वो आपका ब्रंच प्लेटर है। सो दिस ब्रेकफास्ट विल बी अवेलेबल अंटिल मिडनाइट। ओके, आप जब मर्जी कोई भी चीज खा सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें कई दफा शॉर्ट होती हैं, वो हम एक घंटा लेते हैं, तो हमारा एक घंटे में वो बन जाती हैं अगर कुछ और चीज हो। ये कीमा आ गया है, मटन कीमा। मटन कीमा, क्या बात है, जबरदस्त। ये ऊपर जनाबे आला मलाई आ गई, क्रीम। ये क्या चीज आ गई, ब्रेन मसाला। ब्रेन मसाला, इसके ऊपर ये गार्निशिंग हो रही है, जबरदस्त। ये इसके ऊपर देसी घी आ गया, हाय हाय हाय। पकने में भी यूज हुआ, ऊपर हल्का सा अनकुक्ड होता है, उससे फ्रेग्रेंस आ जाती है। ये जनाबे आला मुर्ग चने आने वाले, जबरदस्त। आज मक्का वालों को पता चलना चाहिए कि लाहौर के खाने कैसे हैं। थोड़ा सा टाइम बचा। ये हरिसा आ गया, क्या बात है। ये चिकन कोफ्ते हैं, वैसे मटन में भी हैं, क्या बात है। चार कोफ्ते आते हैं एक। वाह भैया। अच्छा जी, एक चीज़ बतानी बड़ी ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें अलग भी मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने लाजमी प्लेटर ही लेना है। हाँ जी, वो चीज़ आपका दिल करे आके आप ले। आप मटन, आप मटन चने भी ले सकते हैं, चिकन चने भी, देसी चिकन चने भी, कोफ्ता चने भी, यानी हम इसमें तो सारी चीज़ें नहीं ना कर सकते। हाँ जी, तो आप एक सिंगल इंडिविजुअल डिश भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। और आखिरी ये ओए होए होए होए, ये ऊपर आ गए जनाबे आला ड्राई फ्रूट्स, क्या बात है, आने दे। हाय 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 हाय, ये आया जनाब छोटा भाई, इंशाल्लाह ये आपके मुंह में घुलेगा जाके। अच्छा, हाँ जी। और आप बता रहे थे ये प्लेटर से बाहर है, ये बेसिकली जो हमारे प्लेटर की ऑप्शन है 11-12% उसमें ये पाया नहीं है। अच्छा, पाया हम लोग पहले प्री ऑर्डर पे कर रहे थे, यानी एक दिन पहले बुक करते थे, अब हम इस वीकेंड से इसको पकाना शुरू कर रहे हैं। ये सेपरेटली आपको एज ए सेपरेट डिश ऑर्डर करना पड़ेगा। चलें भाई, जबरदस्त, हमारा ये प्लेटर तैयार हो गया है यहाँ पर, और अब हमारा नेक्स्ट प्लेटर की बारी है, जो लंच का प्लेटर है। अच्छा, इस प्लेटर का हमारा नाम है अंबर सरिया ब्रेकफास्ट प्लेटर। जबरदस्त। मेन्यू में आएंगे तो जो हमारे प्लेटर मेन्यू, उसकी बैक साइड में हमने चार प्लेटर हम डाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अंबर सरिया प्लेटर। जबरदस्त। जो आपका दूसरा प्लेटर आपको दिखाएंगे वो ब्रंच प्लेटर, उसका नाम ने टक्साली रखा हुआ है लाहौर के गेट के ऊपर, क्या बात। और तीसरा प्लेटर हमारा है, जो हमारा शाही प्लेटर है, उसमें चिकन की ज्यादा चीजें, वो एक मिडिल प्राइस रेंज में है, वो हम आज आपको नहीं खिला रहे। अच्छा। और चौथा प्लेटर उसके अंदर है, जो हम 1st October से कर रहे हैं, वो हमारा कुलाची प्लेटर है, जिसमें सारा सी फूड की डिशे है। सी फूड में मार्केट में मछली पालक, मछली का शोरबा, खगे का शोरबा, मछली का कोरमा, ये चीजें, श्रिम मसाला, ये चीजें नहीं है लाहौर के मार्केट में। नहीं नहीं है कराची में, तो खैर बहुत ज्यादा। तो हम वो एक प्लेटर अपना विंटर्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं। जबरदस्त। ये आ गया जनाब नेक्स्ट प्लेटर, क्या बात है। अब देखें ये ड्राइंग जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट है, अब इसके अंदर रंग भरने रहते हैं, तो अभी रंग भरे जाएंगे तो फिर देखना। चलो जी, क्या खूबसूरती। पूरा कराची इसको डेफिनेटली पुलाव कहता है, भी एक पुलाव, लेकिन लखनऊ के अंदर और कश्मीर के अंदर इसको दूध बिरयानी कहते हैं। अच्छा, दूध बिरयानी बनाई है। हाँ जी, तो बेसिकली जब हम इसकी बिरयानी बना रहे होते हैं, तो उसमें कुछ लोग दही दूध और कुछ लोग दूध यखनी के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो इसकी जब भी आप यखनी देखेंगे ना, तो एक उसमें जो प्याज है उसको बहुत कम फ्राई किया जाता है, लाइट हल्के से पिंक कलर का होता है, तो उसके बाद इसमें दूध भी डाला जाता है, और इसके बाद इसका एक एक मसाला आपके मुंह में इंशाल्लाह खुशबू की तरह आएगा। ये देखें बट साहब जो है ना, ये देखें कोई काम करने लगे हैं, जो काम हमें पसंद। ये आपकी चांप की बोटी है। ओए ओए ओए। ठीक है, थोड़ा सा मैं हल्की सी इसमें काली मिर्च आपकी डालूंगा, क्योंकि हम इसमें खड़ी काली मिर्च डालते हैं। वाह भैया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें मैं आपको खिलाता हूँ, आप जरा वो वाली बोटी खाए ना जिसका स्वाद आए। इसमें गर्दन ये देखें, ये गर्दन की बोटी है, इसको आप चखें और एक इसमें से बुर्की लगाएं। अब्दुल रहीम साहब जो है ना, चावलों पर इंतजार नहीं कर सकते भाई, क्या बात है। आलू गोश्त भट साहब, आलू गोश्त बहुत याद आया मेनू, मक्के बहुत याद आया। आलू गोश्त एक ऐसी डिश है जो सब कॉन्टिनेंट में हर घर में पकती रही है। जब भी पुराने जमाने में घरों में रिश्ता लेने जाते थे, कहते लड़की को आलू गोश्त बनाना आता है,
क्योंकि जिसको आलू गोश्त नहीं बनाना आता ना, उसके शोरबे में मिठास आएगी आलू की। जब आलू की मिठास आ जाए इसका मतलब शोरबा फेल हो गया, फारिग हो गया। ये मटन का कोरमा है। वाह भैया, श्रीम मसाला आ गया। श्रीम मसाला, वाह, आने दो सर जी। कबाब मसाला, कबाब मसाला, मटन कबाब मसाला, हरीसा दोनों प्लेटरों में। अच्छा, इसमें भी हरीसा है, ठीक हो। लंच में लोग लेते हैं ना। ओके हो गए। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं? निहारी खिला रहे हैं। निहारी, वाह भैया, निहारी लग रही है बड़ी प्यारी। शुरू में एक निहारी डाल लेते हैं। हाँ जी, एक ये पैर डाल लें, मिक्स नहीं हो जाएगा? नहीं, ये लदे लदे होगा। ये कीमा डाल लें, कीमा आने दें, खुश्क चीज आने दें। ये मुझे बड़ा अरसे से कह रहे थे कि व्हाट्सएप के पास जाके खाना खाना है मैंने, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इंतजार इनसे होनी चाहिए। अच्छा, ये आपके पहले वाले बोंग पाए हैं, ये आपका कीमा है। बिस्मिल्लाह, उंगली खान, उंगल बचा ले, मैं कहन लगे सी आ जाना, नो फर्क नहीं पैना, ओनु फर्क नहीं सी पैना, व्हाट्सएप नु बहुत फर्क पैना सी। नहीं बता दो सी, नहीं सीरियस है, की है ये बोंग है, और बोंग और ये साथ छोटा सा मैंने पाए का पीस रखा है। और दबाइए इनके फर्स्ट इंप्रेशन प्लीज। नहीं फरीद साहब, इफ यू डोंट फरीद। अच्छा, मेरी बारी है। सफर बड़ा पैंदा आगे हो गया। आपको पता है कि ये जानवर हमने 5 दिन पहले, हम जानवर अपना खुद करते हैं, तो ये अपने हमारे फार्म के जानवर की, साहिवाल का ये जानवर है, साहिवाल ब्रीड का। जबरदस्त, लाजवाब, अलग ही फील हो रहा है, अलग ही फील हो रहा है। चलें जी, अब ये जरा चखें, जरा कीमा नान के साथ जाने दें। नान के साथ ही जाने दें। बिस्मिल्लाह, ये क्या चीज़ आ रही है? ये निहारी आ रही। निहारी, निहारी वो था बोंग पाया। सब ट्राई करने है, ख्याल करना, पेट भर के ना बैठ जाने एक ही चीज़। मक्की साहब लगे हो। ये आपका कबाब है मटन का, ओए होए, इसके अंदर मटन गोटा हुआ होता है, और मूंग साबुत मूंग के अंदर ये। अच्छा, और गंदम के साबुत मूंग, गंदम और मटन के गोटे के साथ ये बनता है फरीसा। ज़बरदस्त। चलें जी, सबसे पहले जो है ना निहारी ट्राई करने लगे। जैसी घी का टच साथ में ना, ओए होए होए, मुंडा मेरे चमचे दी सबर नहीं करता, मैं ये चमचा लान लगा, उन्हें उधर शुरू करता काम। जाने दे जाने दे, फ्लाइट आ रही है, इसको डिले ना करो। कबाब को भी साथ दे। अब मुझे बताओ, ये हमारा अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान में सबसे ऑथेंटिक रीस है। अरबी इसको कैमल के गोश्त में बनाते हैं, ईरानी इसको लैम में बनाते हैं, हम लोग इसको बीफ और मटन में बनाते हैं। मक्की साहब ताड़ा है, बोलो आप इसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ती है? इसमें जी ब्रेन मसाला है, ठीक हो गया, स्मोकी ऑमलेट है, चिकन चने हैं चिकन के साथ, और एक पालक पनीर है। इसके बाद ये 200 रुपये आपको। सबसे पहले ब्रेन खा रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। जो लोग ब्रेन नहीं खाते स्मेल की वजह से, वो ये खा सकते हैं। ऑमलेट ज़रा ट्राई कर लें ब्रेन के फौरन बाद ही। ये ऑमलेट है भाई साहब, ज़बरदस्त भाई साहब। लेकिन जहाँ पर गोश्त चल रहा हो ना, पालक पनीर की बारी आ गई भाई। पालक पनीर जनाब आला, ये सबसे पहले मैं, मेरा साथी कब से परेशान बैठा, तो पालक पनीर इनके खाते में मैंने डाल दिया। आपको पता है वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ। ब्रेन मसाला, ब्रेन मगज, पता नहीं कौन सा दिन था ये मगज ढूंढ रहा था ना, हमारा ही खाता रहता है। आपको हर डिश में ना, जो भी कोई उस डिश का मेन सप्लायर है ना, उसका 90% टेस्ट एक जगह से कहीं नहीं मिलेगा। इधर आपको माशाल्लाह चने की शक्ल देख लें आप, प्योर जो लॉरी चने की शक्ल, बिल्कुल। आ जाए भाई, आ जाए आ जाए, इधर देखें, ये जो स्पेशल चीज़ है ना, ओए होए होए होए, ये डबल प्लेट है, इसमें 2 पीस हैं, एक डबल डबल लेग है, एक चेस्ट है। वाह भाई वाह, ये देखें शोरबा इतना ज़बरदस्त, ठीक है। और इसको इधर से खाने का मज़ा आता है, और जब आप इसका गोश्त यूँ तोड़ लें और यूँ डुबाएँ, तो ये थोड़ा सा शोरबा आपके यहाँ पे लगा होना बहुत ज़रूरी है। ये निवाला बहुत ज़बरदस्त बना है। ओए हाय हाय, ये देखे ले रख, आण दे सब बनी है मुझे कला।
इधर आ जाएं, आपको पाए दिखाएं जरा। छोटे पाए? हाँ जी, ये छोटे पाए हैं, वो आपके बॉम पाए थे। ये देखें भाई, ये पाए। ओए होए 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 होए, शाइनिंग देखें इनकी, कैसे ज़बरदस्त चमक रहे हैं। और बट साहब ने जैसे कहा है ना, हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। छोटी ओ हो हो हो, बट साहब क्या बात है, मिठास आई है। पाया मीठा है ना, मीठा। मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। ये जो जगह है ना, ये देखें इसको ना, आप रोटी खाने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो है ना, ज़्यादा हैवी किस्म की चीज़ें आ रही हैं। ये मेरे लंच आइटम्स हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह कर। सबसे पहले मैं श्रिम्प खाना चाहूँगा, श्रिम्प मसाला, क्योंकि इस तरफ पंजाब की साइड पर श्रिम्प मसाला नहीं होता। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था जब से बट साहब ने बताया ना कि हम लोग श्रीम मसाला भी सर्व कर रहे हैं, तो मैंने सोचा लाजमी ट्राई बनती है इसकी। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा पंजाबी स्टाइल का भी, मैं नहीं कहता, और कराची स्टाइल का भी है। ग्रेवी जो आपने इसकी डेवलप की हुई है बहुत ज़्यादा। झींगा जिनको पसंद है और जिनको नहीं भी पसंद, वो इसलिए झींगा जो है ना, इसमें स्मेल नहीं है। आप अक्सर बाहर खाते होंगे, उसमें स्मेल होती है, तो इसमें स्मेल नहीं है। तो ये काफ़ी जो है ना, मटन कौरमा जनाबे अलग। बिस्मिल्लाह पढ़ती। लखनवी टेस्ट आया इसमें, क्योंकि अक्सर लखनवी खानों में एकदम से आपको खुशबू आती है, जैसे ही आपने वाला खाते हैं कौरमा, कौरमे में खुशबू ना आए तो वो जग गोश बन जाएगा ना। कीमा चाप की बारी आ गई, अपनी वाला इतना बड़ा मैं बना बैठा हूँ। ये देखें जनाबे अलग, आलू गोश्त, ये आया गोश्त। इधर मछली की बोटी जो है ना अंदर घूम रही थी, तो मैंने इसे पकड़ लिया है, बल्कि हंट कर लिया। बोटी ज़्यादा, थोड़ा सा आलू और इसकी डुबकियाँ लगवा के ना प्लेट में, ये चीज़। बिस्मिल्लाह। ये 10 मिनट अब्दुल मालिक, ये 10 मिनट तू ना पाना मुझ, मैं सिर आलू गोश्त मार देना ऐसा सी मौसम, मेरे मुँह आए दरिया है पानी का मेरे जनमन जो अंदर की फीलिंग है। जब भी वापस मक्के जाना है ना, यही जहन में रखे, दुआ करनी है अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत डाले और एक इनका रेस्टोरेंट मक्का में भी डाले। आमीन। नीयत मेरी है मदीने, मक्का मदीना दोनों, मदीने की मेरी पहली अब्दुल मालिक से बात ही कर रही थी। ले सर जी, सबसे पहले खाली चावल हजम हो जाएगी, हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। जो चावलों में खुशबू है ना, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल की है। खड़े मसालों की जो खुशबू आ रही है साथ में, हाय हाय। जितना आपका स्पाइस लेवल लो होगा, प्याज हल्का होगा, उतने खड़े मसाले जो है ना, वो आपको खुशबू ज़्यादा देंगे। ये गोश्त के साथ जो है ना चावल अभी ट्राई कर रहे हैं, जो गोश्त चावलों का अपना है। जब गोश्त के साथ भी खाया है ना, उन चावलों की खुशबू जो है वो मिली है साथ में। ऐसा नहीं कि गोश्त के ऊपर जो है वो बिरयानी टाइप, मतलब आपको मसाला फील होने, हमारा वो हम उस चीज़ को ही नहीं समझते जिसमें रलिया मिले ऐसा टेस्ट आ जाए। ले भाई साहब, हमारा मीठा आ गया है यहाँ पर, और मीठा ट्राई करते हैं। फरीद साहब जी, फरीद साहब, ये हमारा अरीके जैसा नहीं लग रहा, ये दूसरा वाला, ये वाला अरीके के जैसा लग रहा है, लेकिन नीचे इसके मटेरियल दूसरा है। ऊपर से, हाँ ऊपर से फुल अरीका लग रहा है। हाजी मक्की साहब बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं ना। फिर चलें, मीठे चावल, गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले, साथ में काजू आ रहा है जनाबे आला, और इसके साथ कोकोनट डाला हुआ है इसमें, और ऊपर डाला हुआ है खोया। तो ये आ गया हलवा। देखिए भाई साहब, मीठे चावल साथ में कोकोनट, साथ में खोया। बिस्मिल्लाह। काजू जब क्रंच देते हैं ना मीठे के साथ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, खाना खा लिया, मज़ा आ गया हमेशा की तरह। कैसे अब्दुल रहीम भाई, आज तो अलग लाहौर आना हलाल हो गया अब्दुल रहीम भाई। बाकी कहते हैं लाहौर के खाने, क्या बात है। लोरियो, हाँ जी लोरियो, मज़े कर रहे हो। लोर लोरे, हाँ जी, आज आज आप पैदा भी हो गए हैं। लाहौर बिल्कुल पैदा हो गए, देखे हो जमिया नहीं, आहो 88 नंबर गड्डी। المصور الغفار